नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हूँ आपका अपना अमर भारद्वाज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 110 सीसी की सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक बजाज प्लेटिना 110 एबीएस। अब आपको इस बाइक के अंदर अच्छी खासी सीट देखने को मिल जाती है कम्फर्ट एक की। इस बाइक के अंदर आपको 110 सीसी के अंदर आपको एबीएस देखने को मिल जाता है, जो आपको 110 सीसी की किसी भी बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये एबीएस का काम जो होता है वो होता है एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप हाई स्पीड में इस बाइक में ब्रेक लगाते हो तो ये बाइक आपको स्लिप होने से बचाती है। तो ये फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। स्टार्ट कर लेता हूँ इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। तो मैं एक बार आपको इस बाइक की दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह की आपको इस बाइक की देखने को मिलती है, जिसको पर आपको बजाज की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। चलिए करते हैं इस बाइक की को ऑन। जैसे ही मैं इस बाइक की को ऑन करता हूँ तो फ्रंट में आपको जो LED DRL लाइट देखने को मिलती है ये ऑन हो जाती है। नीचे की तरफ आपको हेलोजन हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलता है। इंजन स्टार्ट होने के बाद में इसकी जो हेडलाइट है ये ऑन होती है। नॉन फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। 135 mm ट्रेवल, 240 mm की डिस्क, 8017 के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, जिससे इस बाइक का जो लुक है काफ़ी अच्छा खासा निकल कर आता है। पहले जो प्लेटिना आती थी उसमें आपको जो अलॉय व्हील देखने को मिलते थे वो आपको व्हाइट कलर के मिलते थे। अब जो प्लेटिना में आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है आपको ब्लैक कलर के साथ में मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ गोल्डन कलर के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, जिससे इस बाइक का लुक काफ़ी अच्छा खासा निकल कर आता है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो टैंक के ऊपर आपको प्लेटिना की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, ये आपको स्टिकर के फॉर्म में मिल जाती है। इस बाइक के इंजन की बात करते हैं, 115.45 सीसी का DTSI एयर कूल इंजन मिल जाता है, जो 8.60 bhp की पावर जनरेट करता है एंड 90.81 nm का टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। इस बाइक के माइलेज की बात करो तो ये बाइक आपको 60 से 70 का माइलेज इजीली निकाल कर देती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करो तो इसमें आपको 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक के अंदर मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको टैंक पैड देखने को मिल जाता है। तो के रियर में आपको जो सस्पेंशन देखने को मिलता है, सस्पेंशन का कलर आपको जो देखने को मिलता है आपको गोल्डन फिनिशिंग के साथ में मिल जाता है। इसके रियर में आपको SOS विद नाइट्रॉक्स कैनिस्टर सस्पेंशन मिल जाते हैं। 80/100/70 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक के रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। इनकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है 110 ABS एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम की। पीछे की तरफ आपको ग्रेवरेल देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके के। एंड हेलो लाइट आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिलती है। एंड अब मैं एक बार आपको इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको डिजिटल आधा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको स्पीड लिमिट मिल जाती है, न्यूट्रल की बैजिंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीड लिमिट, डिजिटल क्लॉक, लो फील्ड वार्निंग जैसे फीचर्स आपको इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ABS की लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको स्विच देखने को मिलता है, जिससे आप इस बाइक के ट्रिप 1 ट्रिप 2 को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। मैं एक बार आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। एक बार आपको लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह की हेलोजन लाइट आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। इंजन स्टार्ट होने के बाद में इसकी हेलोजन हेडलाइट ऑन होती है। था इस बाइक के एक स्मॉल सीरीज। अब मैं आपको एक बार इस बाइक की एक्सोरूम प्राइस के बारे में बता दूं तो 72,864 रुपये की आपको इस बाइक की एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। जयपुर सिटी के अंदर, आप जयपुर सिटी के रहने वाले हो और आप इस बाइक को बाय करना चाहते हो तो आप नारायण मोटर्स पर विजिट कर सकते हो। शोरूम का नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड बजाज का अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो आप नारायण मोटर्स पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बजाज के सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें।